का डिसीजन है जी। और यहाँ पे क्या होने वाला उसका कोई रिजल्ट अभी तो पता है? इस बार तो जो है चंद्रभान पासवान का पलड़ा भारी है। चंद्रभान पासवान का जो हाल यहाँ का है, अच्छा। अगर प्रत्याशी नहीं बदला, अच्छा, तो यही हाल जो है जो पहले हुआ है। इस सरकार में सीधा दबंग गई है, सुनी नहीं जा रही। जात का ठाकुर हो और जात ना हो, ब्राह्मण लोनिया पासी और गुजर ना हुए, नहीं रोकर घर बोलते जरे चले। ये तो नौकरी दे दिन दिन भर मजदूरी करो, संजय चलो शाम को जैसे कटाओ खेत। ईमानदारी से नहीं मार पाएंगे, अच्छा। बस इतना मैं जानता हूँ, जब तक बेईमानी नहीं करेंगे यहाँ से जीतेंगे। अरे जब बताइए ये वीएम मशीन चल रही है, हाँ। तो उसमें कौन सी बेईमानी हो जाए? हमारा भारत भर ज्यादा उत्तम हो गया है जी। वहाँ पर क्यों नहीं ईवीएम से पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है ईवीएम। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वाध, आज हम खड़े हैं अयोध्या के मिल्कीपुर में खड़े हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। आइए हम चंद्रभान पासवान के सदस्य पूछते हैं, यहाँ पर सदस्य चंद्रभान पासवान के, ये बताइए सर मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में बार बार बैठक किया जा रहा है, किसकी उम्मीद जताई जा रही है? आप तो चंद्रभान के आप साइड के हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, किसका? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि जो है वो तो ऊपर का डिसीजन है जी। और यहाँ पे क्या होने वाला उसका कोई रिजल्ट अभी तो पता है नहीं। कल जैसे मीटिंग हुई दिल्ली में जी, तो उसका भी अभी कुछ पता नहीं चला कि क्या डिसीजन लिया गया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा उसमें। काफ़ी लोग गोरखनाथ बाबा को चुन रहे हैं, काफ़ी लोग चंद्रभान को सुन रहे हैं, किसका वो हो सकता है कि कंफर्म हो सकता है आपके साथ? हम तो भाई, हम तो चंद्रभान की तरफ से, तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और रही बात बाबा गोरखनाथ की, तो जो भी जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो सपोर्ट दोनों तरफ से रहेगा, अच्छा। अगर वो उनको मिलता है तो उनका भी सपोर्ट किया जाएगा, हमें मिलता है तो हम चाहते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करें जी। कि हम इनके सपोर्ट में आए हुए हैं और उनसे वोट मांग सकते हैं। अगर हम काफिला लेके चलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, काफिला वहाँ चलता है जहाँ बड़ी मीटिंग होती है, तो वहाँ पर काफिला जाता है। चंद्रभान जी अगर किसी से मिलते हैं वोटिंग के मामले में, तो वो पब्लिक क्या कहती है? कि पब्लिक का सीधा है कि भाई आप टिकट लेकर आओ, हम आपके साथ हैं जी, और पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरी तरीके से आपको जिताना ही है। बीजेपी का माहौल है, बीजेपी ही जीतेगी, ये तो कंफर्म है जी। बट ये है कि किसको टिकट मिल रहा है अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। मान लो कि अगर चंद्रभान को मिल जाता है तो 100% उनका विनिंग है, जीतना संभव है। तो अगर बात करते हैं अजित प्रसाद की, बात करते हैं जो सपा पार्टी से उनको टिकट मिल चुका है, क्या सपा पार्टी से अजित प्रसाद, अगर चंद्रभान को अजित प्रसाद को, उनका टक्कर किसका रहेगा? देखिए अभी जिस हिसाब से हम लोग दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पे पिछले 15-20 दिनों से हमारे अलावा कोई और गाड़ियाँ मुझे दिखी नहीं किसी भी पार्टी की जी। कि कोई दूसरा बंदा आ रहा हो, अपना दे रहा हो, बयान दे रहा हो या मीटिंग कर रहा हो, कोई दिखा नहीं है जी। रही बात जैसे पब्लिक से, आम जनता से जब बात होती है तो वो सीधा बोलते हैं कि भैया आप हो, आप हमारे क्षेत्र में आते हो। देखिए चूँकि हम सपोर्टर हैं उनके, इसलिए मैं बोलना इसको आप अनदर वे मत लीजिए, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं सीधा कि आप ही हो जो आते हो और आपके लिए हम काम कर रहे हैं और आप हमारे लिए काम कर रहे हो, ये सीधी सी चीज़ है। रही बात अजीत प्रसाद का नाम कोई नहीं लेता है सीधा, जहाँ जहाँ मैं हम लोग गए हैं वहाँ पे अजीत प्रसाद का कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि सीधा उनका ये कहना है कि भाई पिता पुत्र को दोनों को एक सीट पे बैठा के हम अपना बेड़ा गर्क नहीं करना चाहते, अच्छा। सीधी सी बात ये, मतलब जनता ये चाहती है कि एक परिवार में दो सीट हमें देने नहीं देना है, ये बात। हाँ ये बात, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं इस पब्लिक से, इस होटल के पब्लिक से पूछेंगे। काफ़ी लोग अखबार पढ़ते हैं, काफ़ी लोग चाय पीकर राजनीति करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर गर्माहट होती है। चाचा मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले जी, हाँ। क्या कहेंगे अब की बार किसका बेड़ा पार होगा? अब ये तो बेड़ा पार होने वाला तो भगवान जाने, हाँ। ये तो हम तुम एक मनुष्य हैं जी, जिसके सिर पर ललाट लगा होगा, हाँ। उसी का बेड़ा पार है जी। जनता किसके मूड में, जनता के मूड को एक पल में बदल जाए जी, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो अगर मिल्कीपुर में बात करते हैं, अजीत प्रसाद खड़े हैं जी, हाँ जी। जिला पंचायत वो हार चुके हैं, क्या वो अजीत प्रसाद यहाँ से विधायक डायरेक्ट बन सकते हैं? जिस तरह अवधेश प्रसाद अपने लड़का को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया गया, हाँ जी हाँ। क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या अजीत प्रसाद सीट ले जाएंगे? कि बीजेपी से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है क्या वो ले जाएंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, लड़ाई तो अवधेश प्रसाद सपा और भाजपा में ही है जी, और लड़ाई इन्हीं दोनों में रहेगी जी। अब इन दोनों में से कौन विजयी होता है तो ईश्वर जाने। अच्छा, अवधेश प्रसाद का यहाँ कार्यकाल कैसे रहा? ढाई साल के बाद अयोध्या में बनेंगे सांसद। कार्यकाल तो उनका बहुत बढ़िया रहा, ऐसी कोई बात नहीं, ना कहीं खामी मिली ना कहीं कुछ मिली, हर जगह पहुँचते थे जी, ऐसी बात नहीं थी। और कोई भी विधायक होता है, चंद्रभान की बात करते हैं, चंद्रभान पासवान है जी, एक स्वाभिमान आदमी है जी, और मतलब कि हमारे क्षेत्र में वो लगभग सक्रिय भी हैं जी। लड़ाई अगर टिकट चंद्रभान पाते हैं, हाँ। तो लड़ाई इन्हीं दोनों में है और बहुत कांटे की लड़ाई होगी सपा और बीजेपी से जी, हाँ जी।
अगर गोरखनाथ बाबा को मिल जाएगा तो उसके बारे में क्या? भैया गोरखनाथ बाबा को तो हम 5 साल देख चुके हैं जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब जो कुछ रहा इसको तो हम क्या बताएं। अच्छा, देखो कोई भी व्यक्ति है, अच्छा, उसको जैसे कि आप राजा बना दिए गए, विधायक बना दिए गए, तो उसको एक पक्षीय बात नहीं करनी चाहिए। सही है। उनको मैंने कुछ जगह पे एक पक्षीय बात करते देखा है जी। हम दोनों, जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों को समझाना चाहिए जी। आप हमारे विधायक हैं, आप ही हैं जी। आप मेरे सामने खड़े हैं जी। तो हमारा इनका कोई टकराव है तो आप तो दोनों के हैं जी। सही। आप मिल्कीपुर क्षेत्र के विधायक हैं तो दोनों के हैं जी। तो दोनों को किसी ना किसी पटरी पर बिठा देना चाहिए, न कि एक तरफ से जाके आप खड़े हो जाओ सरेआम। कुछ उनमें ये गुण था। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो मिल्कीपुर में जो विकास के बारे में बात करते हैं, यहाँ का जो विकास है, अवधेश प्रसाद का कार्यकाल कैसे रहा, क्या गोरखनाथ बाबा भी यहाँ पर रह चुके हैं, उनके दोनों का कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? अब हम इसको क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि गोरखनाथ के अपेक्षा अवधेश का कार्यकाल ठीक रहा। अच्छा जी, अवधेश का सपोर्ट किसका है आपकी तरफ से देखा जाए तो? अब हमारे तरफ से तो वक्त बताएगा हम किसका सपोर्ट, कभी कोई किसको टिकट मिलता है, क्योंकि भाई अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिल गया है, हम जान रहे हैं। अब खाली एक पार्टी की टिकट घोषित होना बाकी है, सिर्फ भाजपा। अच्छा, भाजपा। अब इसको कौन मिलता है, किसको टिकट मिलता है, जनता किसके तरफ में पलटती है, तो खुदा जानेगा। ये बात, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हरिशंकर दुबे। हरिशंकर दुबे जी, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या कहेंगे चाचा? आप अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, अखबार में आपको क्या समझ में आता है? कुछ मिल्कीपुर में भी यहाँ पर छपता होगा अखबार में, तो क्या लगता होगा इस बार किसका पलड़ा भारी है, किसकी उम्मीद बताई जा रही है? अब इस बार तो जो है चंद्रभान पासवान का पलड़ा भारी है। चंद्रभान पासवान का, अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो अवश्य विजयी होंगे जो है। अगर मतलब कि चंद्रभान को मिलेगा तो अवश्य विजयी मिलेगा, अवश्य विजयी। अगर गोरखनाथ बाबा को मिलेगा तो वो नहीं हो सकते, तब तो हार जाएगी पार्टी, हार जाएगी। हाँ चलो, तो अजीत प्रसाद और पासवान का टक्कर तगड़ा रहेगा? हाँ, टक्कर तो तगड़ा रहेगा, लड़ाई मतलब जो है बहुत कांटे की रहेगी, जो है कांटे की लड़ाई रहेगी। तो बार बार दिल्ली में बैठक किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे किसका डिसीजन ले रहे हैं? डिसीजन मतलब यहाँ पब्लिक की भी जो ओपिनियन गई हुई है, 5-7 बार सर्वे हुआ है, 4-4 मंत्री आए हुए थे यहाँ, अभी भी आज आए हुए हैं, मतलब इन्होंने सर्वे रिपोर्ट जो है इनके पक्ष में दिया, पक्ष में इस वजह दिया, जनता की आवाज़ जो चारों तरफ से आ रही है कि हमें चंद्रभान चाहिए, हमें चंद्रभान चाहिए। अच्छा, मतलब इतना अच्छा नेता जो है, जनता ये कर रही है लाइक, ना कि हम कह रहे हैं जो है चंद्रभान का एक नया चेहरा है, नया चेहरा है, अगर आ जाएगा तो उसका कुछ अलग काम होगा। हाँ, वो अलग काम होगा। हाँ, ये कहना है। हाँ, यही दादा ने भी कहा, सत्य कहा इन्होंने। अच्छा, चंद्रभान के अंदर एक क्वालिटी है बात की नहीं, सबसे मिलते मिलाते हैं, है बात नहीं, हर आंधिक दुख सुख में आते जाते हैं, तो ऐसे हालात में जो है चंद्रभान जी को टिकट दें तो भाजपा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि अयोध्या में जिस तरह लल्लू सिंह हार चुके हैं, और काफ़ी लोग का यही कहना है कि अगर वो उम्मीदवार बदल जाता तो अयोध्या में बीजेपी जीत जाती, क्या वही हाल मिल्कीपुर में होने वाला है? सेम टू हाल यहाँ का है। अच्छा, अगर प्रत्याशी नहीं बदला। अच्छा, तो यही हाल जो है जो पहले हुआ है एमपी वाले चुनाव में, वही हाल यहाँ पर होगा, वही हाल यहाँ पर। हाँ, हम नहीं कह रहे, यहाँ जनता कह रही है, हम भी कह रहे हैं उसमें, जो हम भी यहाँ जनता है, लेकिन यही हाल होगा अगर जो है प्रत्याशी नहीं बदलेंगे तो। जो अब बात करते हैं कुछ विकास के बारे में, यहाँ का विकास कैसा है? भैया विकास तो जो हुआ अवधेश प्रसाद के समय में हुआ है, अभी कॉपरेटिव बैंक में सोधक चुनाव हुआ, इस सरकार में नंगा नाच हुआ, लोगों ने वोट नहीं डालने पाया। अच्छा, यहाँ तक पुलिस आई थी मेरे ग्राम सभा में शुक्ला जी को पकड़ने, इस सरकार कौन देगा, कौन वोट देगा किसको? बीजेपी वालों को। अच्छा, ऐसे जबरदस्ती पूरा प्रशासन लगा था, पीएससी लगी थी, ठाकुर साहब लड़ रहे हैं मिल्कीपुर के, और ऐसे झंडा देते जैसे भैया साहब लिए हैं, 50 गुंडे गए थे, किसी को नहीं डालने दिया गया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। ये बात है, अभी मैं शोधन पेपर नहीं निकला है बड़े भाई, देख लीजिए, इस सरकार सरेआम चुनाव के नाम पर तुरंत डकैती हो रही, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, लड़ना है तो पब्लिक से लड़िए। और दोनों बीजेपी नेता थे, वर्मा जी और ठाकुर साहब। अच्छा, हाँ, वो मार हुई, लोग भाग भाग कर कुछ 250 कार्यकर्ता हो तो लोग दल के कार्यकर्ता पकड़े गए थे, सब वर्मा पकड़े गए थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो भैया इस सरकार में सीधा दबंग नहीं है, सुनी नहीं जा रही, खाली ठाकुर है वो तो चाहे मर्डर कर दे, सारी सजा उसकी माफ है। हाँ, जात का ठाकुर हो और जात ना हो, ब्राह्मण लोनिया पासी है, गुजर ना हुए नहीं रोकर घर बुलटो जरे चले। ये बात है, कुछ हुए ना, अब यहाँ सीएम परिवार अगर है साथ अवधेश के तो क्यों हरा भरा वाला पैदा नहीं ना अवधेश का, चाहे जगह बीजेपी टिकट दे दिए, इसका चलेगा ठाकुर विराजमान है। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, चाहे जो ठाकुर कह दो कह दे, सब खत्म आप है। अच्छा, चाहे 10 कतल करे, चाहे 1 कटे, चाहे 1 घर गिरा दे, चाहे 10 घर गिरा दिए। अच्छा, कोई मतलब नहीं है उसके लिए, शासन कोई माने नहीं, मुख्यमंत्री जी का हाथ है जाओ बेटा। अच्छा,
जाति का उनको सजातीय हो बस, तो इसके आधार पर अवधेश प्रसाद जीते। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, हाँ वरना कौन दो रन बड़े भैया, हाँ एकदम क्लियर है। लेकिन काफी लोग तो ये कह रहे हैं, पब्लिक तो कह रही है सार को लेकर, काफी लोग सार को लेकर आ गए थे भैया, बोलते चलो दिखाई मशीन लगाए बात नहीं, या फारवार के बैठा क्या करें। देखिए पब्लिक कहती है सार ना योगी ने छोड़ा है ना मोदी ने छोड़ा है, आम आदमी ने ही छोड़ा है। अरे भैया इसकी बाजार लगते थे, जहाँ ये जाते थे वहाँ जाने दे, पब्लिक की सारा संकट दूर हो जाए। ये तो नौकरी दे दी है, दिन भर मजदूरी करो, संध्या चलो शाम को जैसे कटाओ खेत रखो, चाहे मेहरारू मर जाए चाहे चोर उठा ले जाएंगे दहरन का, ऐसे नहीं मत अब तू भेड़ियों से तू धिराना है, पूरा प्रशासन लाग भाई एक भेड़िया नहीं पकड़ पाता, पूरा वन विभाग की टीम बताओ सरकार का धारा उठावे क्या करे बताओ। भैया पता नहीं लग जाए कितना मेरे दूसरे के धारा हुआ था, नहीं प्रधान है आप प्रधान जी है, हाँ भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं कि है, नहीं भूतपूर्व प्रधान पहले 2001 से 2005 तक भाई साहब रह चुके हैं इसी ग्राम के बाद। अच्छा इस ग्राम समय प्रधान दे रह चुके हैं, क्या चाचा कहेंगे यहाँ का मामला कैसा का है? यहाँ का मामला भैया सपा को हम देते हैं, सपा को देंगे बस, हम इतना जानते हैं। अच्छा नहीं भैया, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं आपके बाजी हम मार ले जाएंगे, चाहे उम्मीदवार चाहे जो खड़ा, बाजी तो ईमानदारी से नहीं मार पाएंगे। अच्छा बस इतना मैं जानता हूँ, जब तक बेईमानी नहीं करेंगे यहाँ से जीतेंगे नहीं, मतलब बेईमानी होगी हाँ अभी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। चाचा ये बताइए क्या आप कह रहे हैं बीजेपी से, क्या बीजेपी वाले बेईमानी करके वोट जीते हैं? बीजेपी वाले बेईमानी करके इसको हम कहे को कहें, वो कह रहे हैं उनकी उनकी अलग आत्मा है मेरी अलग आत्मा, हम कैसे कहें कि बेईमानी करके जीते हैं? अच्छा आप नहीं कह सकते? नहीं कह सकता, सही बात है ना, नहीं कह सकते आप। अरे जब बताइए ये ईवीएम मशीन चल रही है हाँ। तो उसमें कौन सी बेईमानी हो जाएगी? ईवीएम का 7 बार आयोग ने मतलब कुछ चेक कराया, कोई खामी निकली, कोई ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की जो बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ईवीएम सही तरह से जांच पड़ताल किया गया, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं मिली, ये हम नहीं पब्लिक भी कह रही है सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो क्यों कह रहे हैं लोग कि ईवीएम में दिक्कत है? यार क्यों किसी की आवाज को दबा नहीं जा सकता है, तो जनता है ना, जनता कुछ भी कह सकती है बात की नहीं, ये तो जनता कुछ भी कह दे है बात की नहीं, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारी पार्टी बेईमानी करा रही है, हाँ वो तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अच्छा है बात की नहीं, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और मतलब ये ईवीएम ही सोचा जरूरी है। अच्छा। मतलब वोटर के वोटर संख्या इतनी बढ़ गई है हाँ। कि अब ठप्पा लगाने से समझ लीजिए वोट ही नहीं पड़ पाते, ये बात है। हाँ और ईवीएम से बड़ा सब लोग वोट तो डाल देते हैं, है बात की नहीं, ईवीएम की बात करते हैं तो कहे लोग बोल रहे हैं, ये बताइए ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम के बारे में कुछ हम बोलना चाहते हैं, ईवीएम क्या अमेरिका से अपना हमारा भारत और ज़्यादा उत्तम हो गया है जी। वहाँ पर क्यों नहीं ईवीएम से पड़ता है? अमेरिका में एक पड़ता है ईवीएम से? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वहाँ का वो सब अलग अलग सिस्टम है, यहाँ का अलग होगा तो यहाँ पर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो वही बात है ना, जब इतने इतना अच्छे देश होते हुए वहाँ ईवीएम से पड़ रहा है तो यहाँ का मतलब कैसे पड़ रहा है? अच्छा जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है सारे जातियों के लिए ना, एक जात के लिए तो नहीं बनाया ना हाँ। जो कानून लगना चाहिए सार समाज के लिए लगना, बराबर का अधिकार सबको है, जनता को बराबर का अधिकार डालने के लिए हर कास्ट को है। और उसमें जब भैया मशीन तो मानो अलग की बात है, जब बैलेट पेपर पर खाली नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट में बहुत नाम कटा है, सांसद कटा था वोटर लिस्ट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम कट जा रहा है, क्या किसकी ऊपर से बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का है, यहाँ जो बैकवर्ड के अधिकारी यहाँ रखे गए सारे अधिकारी हटा दिए गए हैं, सजाते अधिकारी यहाँ रखे गए, जो यादव मौर्य पिछले जात अनजातों के वोटर काटे जा रहे हैं। अच्छा हाँ इलेक्शन जीतने के लिए हर दम फंक्शन सरकार कर रही है, सरकारी मशीन ठाकुर रख दिए यहाँ पर, डीएम सब ठाकुर रख दिए, ठाकुर हो गए, ये बात है, यही तहसील भाई साहब मेरा। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में अगर सॉरी ईवीएम मैंने अगर वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, हो सकता है कि उसमें बीजेपी भी हो और सपा भी हो, सपा सरकार से बाहर है, सपा होती सपा को पर आरोप लगता। अच्छा हर जगह देखिए सजातीय जितने सजातीय हैं सारे अधिकारी हटाए जा रहे हैं, उनके सजातीय अधिकारी हर मिल्कीपुर में भेजे जा रहे हैं, इलेक्शन को जीतना किसी भी हालत में जीतना, चाहे चोरी करना पड़े चाहे जनता को मारना पड़े चाहे मक्कारी करना पड़े, यही बात। हाँ चार धाम मुख्यमंत्री है, इसका और पहले इलेक्शन मिल्कीपुर में हुआ था, क्यों योगी जी नहीं आए, क्या कारण है आप बता दीजिए बड़े भैया, क्या कारण है? मिल्कीपुर की जनता 77 से खाली 7.5 साल बीजेपी स्वाद चीखे है मिल्कीपुर की जीत का, बाकी चीख नहीं पाई है, ये बात। हाँ मिसेन यादव जब से 77 से इलेक्शन लड़ रहे थे, बीजेपी 2.5 साल माननीय मथुरा तिवारी जी और 5 साल बाबा गोरखनाथ। हमसे अगर आप पूछ रहे हैं मिल्कीपुर का अपोनियन, तो भैया जैसे बीजेपी से भी प्रत्याशी तय नहीं है, बहुत कुछ बीजेपी का निर्भर है प्रत्याशी चयन के ऊपर, बाकी तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद सपा से हैं,
हाँ, और जो राम गोपाल कोरी बसपा से हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव ठीक है, बीजेपी का माहौल बना हुआ है, बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा है। चलिए, गोरखनाथ बाबा को लेकर सबसे बड़ी बहस होती है यहाँ पर, और यहाँ पर पब्लिक की बात करते हैं, कहाँ से हैं आप? चलिए ठीक है, मिल्कीपुर से हैं। मसीह है, प्रधान जी सब कह रहे हैं, बहुत सही है। प्रधान जी ने तो बहुत कुछ कहा है, बस वही सही है, सही है। अगर आप इस चैनल से नए हैं, चैनल को शेयर करें, फॉलो करें। अयोध्या मिल्कीपुर से जय हिंद।